हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है, फिल इन द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स हमें दी गई है स्टूडेंट्स, हमें उनमें ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। ए पार्ट में हमें दिया गया है विंड इज डैश एयर। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि मूविंग एयर को ही विंड कहा जाता है, यानी जब एयर मूव करती है तो इसे हम विंड कहते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर है मूविंग, तो यहां पर आप लिखेंगे मूविंग। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, विंड इज मूविंग एयर, यानी मूविंग एयर को ही विंड कहा जाता है। अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें दिया गया है विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू डैश हीटिंग ऑन द अर्थ। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अर्थ पे जो विंड्स जनरेट होती है वो अर्थ की अनइवन हीटिंग की वजह से होती है। अर्थ कहीं पर गर्म होती है और कहीं पर ठंडी होती है। अर्थ का जो पार्ट गर्म होता है वहां पर हवा गर्म होकर हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठती है, जिसकी वजह से उसके नीचे खाली जगह बन जाती है, और आसपास की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से आती है, जिसकी वजह से विंड्स बनती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर रहेगा अनइवन। तो यहां पर आप लिखेंगे अनइवन। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। यानी कि अर्थ पे जो विंड्स जनरेट होती हैं वो अनइवन हीटिंग की वजह से होती है। अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमें दिया गया है नियर द अर्थ सरफेस डैश एयर राइजेज अप वेयर एज डैश एयर कम्स डाउन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा क्योंकि भारी होती है तो वो नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पर हमारे आंसर रहेंगे हॉट एंड कूल। यहाँ पर आप हॉट लिखेंगे और यहाँ पर कूल लिखेंगे। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, नियर द अर्थ सरफेस हॉट एयर राइजेज अप वेयर एज कूल एयर कम्स डाउन। यानी कि अर्थ का जो सरफेस होता है, अर्थ का सरफेस वही जगह स्टूडेंट्स जहां पर हम रहते हैं, जहां हम खड़े होते हैं, जिस जगह को हम देख सकते हैं वो अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस पे जो गर्म हवा है वो राइज अप होती है, यानी ऊपर की तरफ उठती है, जबकि ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। अब हम डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट में हमें दिया गया है एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एयर हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ चलती है। अब हम आपको समझाते हैं कि हाई प्रेशर रीजन क्या होता है और लो प्रेशर रीजन क्या होता है। जिस जगह पर हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है स्टूडेंट्स, उसके नीचे खाली जगह बन जाती है, इसे हम कहते हैं लो प्रेशर रीजन। और जिस जगह पर हवा ठंडी होती है तो वहां पर हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, तो उस जगह को हम कहते हैं हाई प्रेशर रीजन। और हम जानते हैं कि जब हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है तो उसके नीचे जो खाली जगह बन जाती है, यानी कि लो प्रेशर रीजन बन जाता है, आसपास की जो ठंडी हवाएं होती हैं, यानी जो हाई प्रेशर रीजन होता है, वहां से हवाएं उस खाली जगह को भरने के लिए उस लो प्रेशर रीजन की तरफ चलती हैं। तो अब यहाँ पर हमारे दो आंसर क्या रहेंगे, यहाँ पर आएगा हाई और यहाँ पर आप लिखेंगे लो। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। यानी कि हवाएं हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ चलती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सजेस्ट टू मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स, आपको दो ऐसे मेथड बताने हैं जिससे हमें विंड डायरेक्शन के बारे में पता चल सके, यानी कि विंड कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है। हमने यहां पर आपको तीन मेथड दिखाए हैं स्टूडेंट्स, आप इनमें से कोई भी दो मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय वॉचिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ अ ड्राई लीफ रिलीज्ड इन एयर। यानी कि अगर आप एक ड्राई लीफ को, यानी सूखी पत्ती को हवा में छोड़ दें, तो जिस डायरेक्शन में वो ड्राई लीफ मूव करेगी वही डायरेक्शन विंड की डायरेक्शन भी होगी। सेकेंड मेथड है फ्लाई अ काइट। आप एक पतंग उड़ाइए, एक काइट उड़ाइए, इन द डायरेक्शन द काइट फ्लाइज शेल बी द विंड डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में काइट फ्लाई करेगी, यानी कि पतंग जिस डायरेक्शन में उड़ती हुई जाएगी, वही डायरेक्शन विंड डायरेक्शन होगी। थर्ड मेथड है यूज एनेमोमीटर। आप एनेमोमीटर डिवाइस का यूज करके भी विंड डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, स्टेट टू एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर अदर देन दोज गिवन इन द टेक्स्ट। यानी कि बुक में बताए गए एक्सपीरियंसेस के अलावा आपको दो ऐसे एक्सपीरियंस बताने हैं जो ये दिखाते हैं कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर हमने लिखा है, ब्लोइंग एयर इन अ बलून मेक्स इट एक्सपैंड। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं, बलून में हवा भरते हैं, तो वो बलून एक्सपेंड करता है यानी कि फैल जाता है। तो ये इस चीज को दिखाता है कि जो एयर है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, एयर ताकत लगाती है। सेकेंड एक्सपीरियंस यहाँ पर हमने लिखा है, ब्लोइंग एयर कैन मूव कर्टेंस ऑन डोर्स एंड विंडोज। यानी कि जब हवा चलती है तो वो दरवाजों पर लगे कर्टेंस यानी पर्दों को और विंडोज पर लगे कर्टेंस को हिलाती है, उन्हें मूव करती है। इससे पता चलता है कि जो एयर है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है यानी एयर ताकत लगाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, यू वॉन्ट टू बाय अ हाउस, आप एक घर खरीदना चाहते हैं। वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर्स। तो क्या आप एक ऐसा घर खरीदना चाहेंगे जिसमें विंडोज तो हैं यानी खिड़कियां तो हैं लेकिन वेंटिलेटर्स नहीं है। वेंटिलेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? घरों में जो छतें होती हैं उन छतों में जो जाल लगाए जाते हैं या ओपन स्पेस छोड़ा जाता है जिससे घर की गर्म हवा बाहर निकल सके या फिर किचन का जो धुआं होता है वो बाहर निकल सके। यानी क्या आप एक ऐसा घर खरीदना चाहते हैं जिसमें विंडोज तो हैं, खिड़कियां तो हैं लेकिन वेंटिलेटर्स नहीं है? एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है नो। अ हाउस विच हैज नो वेंटिलेटर्स इज नॉट अ सेफ और हेल्दी हाउस टू लिव इन। यानी कि हम एक ऐसा घर नहीं लेना चाहेंगे जिसमें विंडोज तो है लेकिन वेंटिलेटर्स नहीं है, क्योंकि जिस घर में वेंटिलेटर्स नहीं होंगे वो घर रहने के लिए सेफ नहीं होगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। द एयर सर्कुलेशन इज नॉट देयर इन सच अ हाउस। यानी कि ऐसे घर में एयर सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए है स्टूडेंट्स कि विंडोज से साफ हवा तो घर के अंदर आ सकती है लेकिन जो घर की गर्म हवा होती है या किचन का जो धुआं होता है ये गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है। तो इसको घर से बाहर निकलने के लिए ऊपर की तरफ ओपन स्पेस चाहिए जिसे हम वेंटिलेटर कहते हैं। अब साफ हवा विंडो के थ्रू तो अंदर आ रही है लेकिन घर की गर्म हवा या किचन का धुआं ये घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से ऐसे घर में एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। सो इट हैज नो फ्रेश एयर। तो ऐसे घर में फ्रेश एयर भी नहीं होगी बिकॉज वॉर्म एयर राइजेज अप एंड गोज आउट थ्रू वेंटिलेटर्स एंड फ्रेश एयर कम्स इन थ्रू विंडोज। क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और वेंटिलेटर्स के थ्रू घर से बाहर निकल जाती है और जो फ्रेश एयर होती है वो विंडोज के थ्रू घर के अंदर आती है। अब जिस घर की यहाँ पर बात की गई है उसमें विंडोज तो हैं लेकिन वेंटिलेटर्स नहीं हैं। तो विंडोज के थ्रू फ्रेश एयर अंदर तो आ रही है लेकिन घर की जो गर्म हवा है, जो किचन का धुआं है, वो घर के बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस वजह से इस तरह के घर में फ्रेश एयर नहीं होगी। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। यहाँ पर हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि जो हैंगिंग बैनर्स और होर्डिंग्स होते हैं यानी लटकाए जाने वाले बैनर्स और लटकाए जाने वाले होर्डिंग्स जो होते हैं इनमें होल्स क्यों किए जाते हैं, इनमें छेद क्यों किए जाते हैं। तो इसका आंसर है, एयर क्रिएट्स प्रेशर। यानी कि एयर प्रेशर क्रिएट करती है यानी हवा ताकत लगाती है। ड्यू टू दिस प्रेशर बैनर्स एंड होर्डिंग्स फ्लटर एंड टर्न आउट व्हेन विंड इज ब्लोइंग फास्ट। एयर के प्रेशर की वजह से बैनर्स और होर्डिंग्स फ्लटर करते हैं यानी के फड़फड़ाते हैं एंड टॉर्न आउट और ये फट भी जाते हैं व्हेन विंड इज ब्लोइंग फास्ट, जब हवा बहुत तेज चलती है। होल्स आर मेड इन बैनर्स एंड होर्डिंग्स। बैनर्स में और होर्डिंग्स में होल्स बनाए जाते हैं यानी छेद किए जाते हैं। होल्स लेट द एयर पास थ्रू एंड रिड्यूस द एयर प्रेशर ऑन बैनर्स एंड होर्डिंग्स। और बैनर्स और होर्डिंग्स में जो ये होल्स किए जाते हैं स्टूडेंट्स ये एक रास्ता बना देते हैं हवा के जाने के लिए। यानी जब तेज हवा इन बैनर्स से और होर्डिंग से टकराती है तो इन बैनर्स और होर्डिंग्स में जो होल्स होते हैं, जो छेद होते हैं, ये हवा उसमें से पास हो जाती है यानी निकल जाती है, जिससे कि हवा का जो प्रेशर होता है होर्डिंग्स पे और बैनर्स पे ये कम हो जाता है और इससे होर्डिंग्स और बैनर्स फटने से बच जाते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोच योर विलेज और टाउन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपके विलेज या टाउन में साइक्लोन आने वाला है, तो आप अपने नेबर्स यानी पड़ोसियों की मदद किस तरह से करेंगे? तो इसका आंसर है बाय वार्निंग एवरीवन अबाउट द कमिंग साइक्लोन। यानी हम आने वाले साइक्लोन के बारे में सबको वार्निंग देंगे, सबको चेतावनी देंगे। बाय सर्चिंग फॉर शेल्टर, इसके अलावा हम सबकी मदद करेंगे शेल्टर को ढूंढने में। शेल्टर वो जगह होती है स्टूडेंट्स जो कि साइक्लोन आने की स्थिति में रहने के लिए बनाए जाते हैं। बाय कीपिंग स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड, यानी कि साइक्लोन आने की स्थिति में हम वाटर और फूड को स्टोर करके रखेंगे जो हमारे नेबर्स के भी काम आ सकता है। बाय कीपिंग अ फर्स्ट एड किट रेडी, यानी कि हम फर्स्ट एड किट को भी रेडी रखेंगे कि अगर किसी को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो वो उनके काम आ सकती है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय अ साइक्लोन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि साइक्लोन की वजह से होने वाली परेशानियों का मुकाबला करने के लिए हमें कैसी प्लानिंग करने की जरूरत होती है। तो इसका आंसर है सेटिंग अप साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, यानी कि एक साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को बनाना जरूरी होता है जिससे कि साइक्लोन आने से पहले ही लोगों को वार्न किया जा सके, चेतावनी दी जा सके कि साइक्लोन आने वाला है। सेटिंग अप साइक्लोन शेल्टर्स, साइक्लोन शेल्टर्स को बनाया जाना चाहिए ताकि जब साइक्लोन आए तो साइक्लोन शेल्टर्स में लोग सेफ्टी के साथ रह सके। सेटिंग अप फूड एंड वाटर स्टोरेज, साइक्लोन आने की स्थिति से बचने के लिए फूड और वाटर को स्टोर करके भी रखना जरूरी होता है। सेटिंग अप फर्स्ट एड फैसिलिटी, फर्स्ट एड फैसिलिटी को भी तैयार रखना चाहिए कि अगर किसी को मेडिसिन की जरूरत है तो उसमें कोई परेशानी ना हो। अब हम एट्थ क्वेश्चन देखेंगे। एट्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, चार जगहों के नाम दिए गए हैं और हमें उनमें से वो जगह बतानी है जहां पर साइक्लोन नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई, सेकंड ऑप्शन है मंगलुरु जिसको मैंगलोर भी कहते हैं, थर्ड ऑप्शन है अमृतसर और फोर्थ ऑप्शन है पुरी। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो साइक्लोन होते हैं ये कोस्टल एरियाज में आते हैं, यानी उन जगहों पे जो समुद्र के पास होती हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ अमृतसर ही एक ऐसी जगह है जो कोस्टल एरिया नहीं है, ये समुद्र से बहुत दूर है। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि अमृतसर। तो हमने आंसर में लिखा है अमृतसर बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम द कोस्टल एरिया, यानी कि अमृतसर ही करेक्ट आंसर है क्योंकि ये कोस्टल एरिया से बहुत दूर है, समुद्र से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पर साइक्लोन नहीं आते हैं। अब हम नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट। हमें यहाँ पर चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं स्टूडेंट्स और हमें चेक करके ये बताना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम वन बाय वन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी गई है इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि विंटर में जो विंड्स होती हैं ये लैंड से ओशन की तरफ चलती हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स क्योंकि हम जानते हैं कि समर में जो विंड्स होती है वो ओशन से लैंड की तरफ चलती हैं और विंटर में जो विंड्स होती हैं वो लैंड से ओशन की तरफ चलती है। और यहां भी हमें यही कहा गया है कि विंटर में जो विंड्स होती हैं वो लैंड टू द ओशन चलती है, यानी लैंड से ओशन की तरफ चलती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम बाकी की स्टेटमेंट्स को भी पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि वो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट क्यों हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में हमें दिया गया है इन समर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टुवार्ड्स द ओशन। यहां पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि समर में यानी गर्मियों में जो विंड्स होती हैं ये लैंड से ओशन की तरफ चलती हैं, जबकि हम जानते हैं कि समर में यानी गर्मियों में जो विंड्स होती है वो ओशन से लैंड की तरफ चलती है, ना कि लैंड से ओशन की तरफ। इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब हम थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट।
यहाँ पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि साइक्लोन तब बनता है जब हाई प्रेशर सिस्टम के चारों तरफ हाई स्पीड विंड्स घूमती हैं, जबकि हम जानते हैं कि साइक्लोन तब बनता है जब लो प्रेशर सिस्टम के चारों तरफ हाई स्पीड विंड्स घूमती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब हम फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि भारत के जो तटीय इलाके हैं, यानी भारत के जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं, वहां साइक्लोन नहीं आते हैं, जबकि हम जानते हैं कि भारत की जो कोस्ट लाइन है, यानी भारत के जो तटीय इलाके हैं, वहां साइक्लोन आते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना था स्टूडेंट्स कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो आंसर में हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को ही करेक्ट स्टेटमेंट लिखा है। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन, यानी सर्दियों में जो विंड्स होती हैं वो लैंड से ओशन की तरफ चलती है। यही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आप 7th क्लास साइंस के सभी चैप्टर्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हमारी साइंस की रीडिंग वीडियोस जरूर देखें। रीडिंग वीडियो में हमने सभी टॉपिक्स को अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी 7th क्लास की मैथ को इजी बनाना चाहते हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हमारे 7th क्लास के मैथ्स के वीडियो जरूर देखें। 7th की मैथ्स की वीडियोस में हमने बेसिक्स को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और क्वेश्चंस को इतने इजी मेथड से सोल्व करके दिखाया है कि आपके लिए 7th की मैथ बहुत इजी हो जाएगी और कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए आपको टाइप करना है MOS Class 7th Maths and Science, और इसमें आपको प्लेलिस्ट में मैथ्स की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।